हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसने भी पहला व्लॉग नहीं देखा है तो वो जल्दी से जाकर देख लो। अब हम लोग जा रहे हैं मस्तानी महल की तरफ। मस्तानी महाराजा छत्रसाल की बेटी थी और पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी थी। जब मोहम्मद खान बंगस ने राजा छत्रसाल पर आक्रमण किया, तब राजा ने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और बाजीराव सेना सहित बुंदेलखंड की ओर बढ़े और मोहम्मद खान बंगस को हरा दिया। तब पेशवा की इस मदद से छत्रसाल इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव को सौंप दिया। पेशवा बाजीराव ने मस्तानी से शादी कर ली और उन्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाया। ये वही महल है जिसमें मस्तानी शादी से पूर्व रहा करती थी। हम लोगों ने पूरा महल देखा, बट यहाँ पर बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था, और क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे रूम थे और बहुत अंधेरा सा था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। उसके बाद हम लोगों को भी वो लोग इतनी आवाज़ें कर रहे थे डर के कारण कि फिर हम लोगों को भी डर लगने लगा, और इसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया और महल से बाहर निकल आए। इसके बाद हम लोग आगे की ओर चल दिए। हमारा अगला पड़ाव था कमलापति का मकबरा। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू था। ये हम लोग पहुँच गए कमलापति का महल। रानी कमलापति महाराजा छत्रसाल की पहली रानी थी, जिनकी स्मृति में इस महल को बनवाया गया था। हम इस महल को देख रहे थे तभी मेरी नज़र उस दूर दिख रहे महल पर पड़ी, जो कि है महाराजा छत्रसाल की छतरी। ये रहा वो। और ये हमारी कुक्कू और यूवी महाराज। बस यहाँ से हम लोगों ने कमलापति के महल को किया टाटा बाय बाय और आगे चल दी महाराजा छत्रसाल की छतरी की ओर। अभी इस समय मौसम बहुत अच्छा है यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है। ये पहुँच गए हम लोग महाराजा छत्रसाल की छतरी। ये है महाराजा छत्रसाल की छतरी, जिसे पेशवा बाजीराव ने सन 1733 में बनवाना शुरू किया था। और अब हम लोग चल दिए थे हमारी लास्ट डेस्टिनेशन यानी लास्ट पड़ाव की ओर, जो कि था हवा महल, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर था, तो यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। पहला व्लॉग जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देख लें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब हम लोग जा रहे हैं हवा महल के अंदर, और ये है हवा महल के अंदर का नज़ारा। एक बड़ा सा हॉल और बहुत बड़ा ग्राउंड। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए। फिर हम लोग ये नीचे की ओर जा रहे थे, यहाँ से सीढ़ियाँ गई थी देखने के यहाँ पर क्या है, बट इतना अंधेरा था और बच्चे भी परेशान करने लगे। कुछ कह रहे थे नीचे चलना है और कुछ कह रहे थे नहीं जाना है, और आखिर में पता चला कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली रूम पड़ा हुआ है और वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। बस इसके बाद जहाँ से देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग वापस